Hey learners, I am Kuldeep from Excellence Technology and I will guide you to complete roadmap of how to get into the world's biggest tech company. So let's get started. तो हमारे मन में जो फर्स्ट बात आती है या फिर जो फर्स्ट क्वेरी आती है वो ये आती है कि इस कंपनी के लिए प्रिपेयर करना क्या वर्थ है हमारे लिए, क्या ये अपने इंजीनियर्स को वो वर्क एनवायरनमेंट, वो सैलरी पैकेजेस, वो पर्क्स और प्रिविलेजेस प्रोवाइड कर रही है कि जो इतनी मेहनत को जस्टिफाई करें। So the answer is yes. Amazon के अंदर जो एवरेज सैलरी पैकेज है वो अराउंड 15 लाख के आसपास है। This is average software developer salary at Amazon.com in India. So base salary एक Amazon की employee कितनी रहेगी आपकी? लगभग 3,88,000 to 20 lakhs. Then there are many other bonuses and other benefits of working in Amazon. Like उनको बहुत सारे बोनस मिलते हैं। So वो एवरेज बोनस कितना है? वो एवरेज बोनस है आपका लगभग 1,00,000 to 7,50,000। तो फ्रेशर्स के लिए अगर आप बात कर रहे हो, डेवलपर्स के लिए बात कर रहे हो, तो ये एवरेज बोनस हमारे वहाँ पे अमेज़न के अंदर लगता है। तो टॉकिंग अबाउट द टोटल पे एट अमेज़न, एक डेवलपर को जो एवरेज सैलरी मिलती है वो अराउंड 4 लाख to 20 लाख, 22 लाख, 25 लाख तक के रेंज के अंदर उनको एवरेज सैलरी वहाँ पे मिलती है। सो दैट्स अ ह्यूज अमाउंट फॉर अ फ्रेशर और अ फ्रेश कॉलेज ग्रेजुएट। नाउ Let's move to the work culture of Amazon. अब Amazon के अंदर work करने का जो best perk है वो वही है कि उसका work culture बहुत अच्छा है। और अगर हम बात करें Amazon की reviews की, so Amazon के basically जो reviews हैं आपके वो लगभग 81 के, this is the website Glassdoor, और यहाँ पे Amazon के आप देखो कि लगभग लगभग 81,000 reviews हैं। 110 jobs से यहाँ पे 81,000 reviews मिल रखे हैं। So और एक और न्यूज है दैट रिसेंटली 2019 लास्ट टू लास्ट ईयर Amazon ने अपना लार्जेस्ट ऑफिस सेटअप किया है इंडिया के अंदर, इन साउथ इंडिया, इन हैदराबाद पर्टिकुलरली। सो वहां पे जो रिव्यूज आ रहे हैं वहां उस बेसिकली उस प्रीमिसेस के लगभग वो कई एकड़ के अंदर वो जो एरिया है वो है, और उसके अंदर जो रिव्यूज है, वर्क कल्चर है, और वहाँ जो बेनिफिट्स है वर्क करने के, जो जो कस्टमर का एक्सपीरियंस है वहाँ पे आने वाले, या फिर जो उनके एम्प्लॉयज़ हैं उनका जो एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा है। और यही कुछ चीज़ें हैं जो बेसिकली अमेज़न को स्टैंड आउट कराती हैं बाकी टेक कंपनीज से। नो डाउट हमारे इंडिया के अंदर और बाकी वर्ल्ड के अंदर बहुत बड़ी बड़ी MNCs भी हैं, लाइक आपके पास फ्लिपकार्ट है, आपके पास नेटफ्लिक्स है, आपके पास एप्पल है, ओरेकल है, माइक्रोसॉफ्ट है, बहुत सारी कंपनीज हैं। बट Amazon इन सब से इन्हीं चीजों में बेटर है कि एक तो इसका वर्क कल्चर बहुत अच्छा है, प्लस इसका जो सैलरी पैकेज, जो स्टार्टिंग सैलरी पैकेज है वो बाकी कंपनी से बहुत अच्छा है। अब फर्स्ट थिंग है कि आपको पता है कि आपकी कंपनी आपने कौन सी सेलेक्ट कर ली, आपने माइंड के अंदर सेटअप कर लिया कि हाँ भाई हमने Amazon के लिए काम करना है। बट प्रिपेयर कैसे करना है, प्रिपरेशन स्टार्ट कहाँ से करें, क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इंटरव्यू कैसे होगा, कितने राउंड होंगे, कहाँ पे होंगे, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पास दे लिया। सो स्टार्टिंग विद द प्रिपरेशन, अगर हम बात करें कि हमने प्रिपरेशन कहाँ से स्टार्ट करें, दैट हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन। सो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी हम किसी टेक कंपनी के लिए प्रिपेयर करना शुरू करते हैं तो आपको दो तीन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपके पास श्योर शॉट आने ही वाले हैं और उनको हम स्किप किसी भी हालत में नहीं कर सकते। सो अगर आप किसी भी कंपनी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, किसी भी टेक कंपनी के लिए या फिर प्रोफाइल ऑफ एनी डेवलपर आप अगर प्रिपेयर कर रहे हो, तो आपको कुछ चीज़ें मस्ट हैं। अगर आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की पोजीशन में, अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो आज के लिए सेशन में हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के बारे में बात करने वाले हैं, तो अगर आप किसी भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की पोस्ट के ऊपर अप्लाई कर रहे हो तो फर्स्ट थिंग क्या है आपके पास कि आपको एटलीस्ट एक लैंग्वेज जो है वो आनी चाहिए, लाइक C++ जो कॉमन है, जावा एंड पाइथन, ये हमारे पास कुछ जनरलाइज ऑप्शंस होते हैं कि आप इन तीनों में से कोई भी लैंग्वेज को चूज करके उसके अंदर अपना इंटरव्यू दे सकते हो। क्योंकि जब भी आपका इंटरव्यू होगा उसमें टेक्निकल राउंड होंगे, नो डाउट उसमें कोडिंग राउंड भी होगा, आपके प्री इंटरव्यूज भी होंगे, वहां पे आपका जो पर्सनल इंटरव्यू आपका PI होगा वहां पे भी आपसे कोडिंग के कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक, क्योंकि जो कंपनीज है, जो Amazon जैसी कंपनी है, वो मल्टीपल राउंड्स आपके कंडक्ट कराती है इंटरव्यू के। सो नाउ प्रिपरेशन में अगर मान लो आपका फर्स्ट स्टेप हो गया कि आपने अपनी एक लैंग्वेज सेलेक्ट कर ली, तो लेट्स से मैं यहाँ पे पाइथन को सेलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि मेरे को पाइथन ही बाई चांस पसंद है, तो मैं यहाँ पे पाइथन को सेलेक्ट कर लेता हूँ। कि मान लो मैंने अपना डिसाइड कर लिया कि जब मैं अपना इंटरव्यू
क्रैक करूंगा वो मैं पाइथन लैंग्वेज को यूज करके करूंगा। अब पाइथन के अंदर भी क्या है कि आपको इसको दो चीजों की जरूरत पड़ेगी, एक इसके कोर की और एक इसके एडवांस की। तो आपको कोर पाइथन और एक एडवांस पाइथन दोनों की ही ब्रीफ नॉलेज लेनी पड़ेगी अगर आपको किसी अच्छी एमएनसी को क्रैक करना है। कोर पाइथन में देखो आपके पास क्या सिलेबस आ जाता है, कोर पाइथन में आपके पास क्या है कि आपने इंट्रोडक्शन इसकी को इसकी पढ़ ली, इसका बेसिक इंटरप्रेटर वगैरह पढ़ लिया आपने, देन आफ्टर आपके पास कंडीशनल स्टेटमेंट्स है, आपके पास आइटरेटिव स्टेटमेंट्स है, जंप स्टेटमेंट्स है, फंक्शन है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज वगैरह है, टीके इंटर है, पाइक्यूटी5 है, टर्टल है, आपने सारी बेसिक टेक्नोलॉजीज के बारे में पढ़ ली। उसके बाद आपने इसके बारे में डेटाबेस पढ़ लिया, डेटाबेस के MySQLite या फिर MySQL SQLite आप इसमें यूज कर सकते हो। तो यहाँ तक इसे कोर पाइथन है। अब ये कोर पाइथन आपको कहाँ हेल्प करेगा, कोर पाइथन आपको हेल्प करेगा हमारे नेक्स्ट पार्ट के अंदर जो कि रहेगा आपका DSA को। DSA हम इसको शॉर्ट में बोलते हैं, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम। तो ये कोर पाइथन वाला जो कंप्लीट पार्ट है ये आपको आपके DSA को वर्क कराने में हेल्प करेगा। आपको साथ में एक प्रोजेक्ट भी रेडी करना पड़ता है अपने रिज्यूम के लिए, अपने CV के लिए आपको एक प्रोजेक्ट भी इंपॉर्टेंट है आपके पास होना चाहिए। तो अब देखो कोर पाइथन के साथ तो आपने DSA की बात कर ली, DSA के बारे में वही डिस्कशन हम स्टार्ट करेंगे। अब बात करते हैं प्रोजेक्ट के बारे में, प्रोजेक्ट आपका क्या होता है। देखो कोई भी लाइव प्रोजेक्ट या फिर वर्किंग प्रोजेक्ट हो जो कि एक प्रेजेंटेबल हो, कंप्लीट फुल फ्लैश हो, वर्किंग हो, उसमें ऐसा भी कोई मॉड्यूल ना हो जो आप बोलोगे अभी इस पर काम करना बाकी है, क्योंकि देखो आप अगर किसी भी अच्छी कंपनी के लिए काम कर रहे हो तो यही एक्सपेक्ट करेंगे ना कि आप अपने प्री रिक्विजिट लेके आए, आपने प्रोजेक्ट किए हुए हैं वर्किंग, ताकि जब आप उनके ऑनबोर्ड हो जाओ, जब आपके साथ काम करना शुरू कर दो, तब उनको आपको वो सारा बेसिक वाला काम सिखाना ना पड़े, वो आपको अपनी अपनी टेक्नोलॉजी को कराना शुरू करें। तो वो चाहते हैं कि एटलीस्ट आप बेसिक कंप्लीट करके आओ, जो भी चीज़ आपने रिज्यूमे में डाल रखी है, चाहे फिर वो जेंगो है, फ्लास्क है, मशीन लर्निंग है, कुछ भी है, जो भी आपने रिज्यूमे में डाल रखा है एटलीस्ट आपको उतना तो अच्छे से आता हो। तो हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं मेजर प्रोजेक्ट्स इन पाइथन और सिंपल सा कीवर्ड लिखो प्रोजेक्ट्स फॉर CV लिखो, पोर्टफोलियो लिखो, आपको यहाँ पे आ जाएगा। तो बेस्ट प्रोजेक्ट की यहाँ पे लिस्ट स्टार्टिंग इधर मिल गई, रैंडम लिस्ट है, हमने कोई भी शॉर्ट लिस्ट इसको नहीं किया, ठीक है। कंटेंट एग्रीगेटर है, URL शॉर्टनर है, सुडोकू सॉल्वर है, पाथ फाइंडिंग विजुअलाइजेशन टूल है, बल्क फाइल, ये सब भी ठीक है, बट हाँ हम इनसे कुछ एडवांस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप वेब की तरफ जा रहे हो तो आप ecom बड़े इजीली कर सकते हो, ecom बड़ा कॉमन सा प्रोजेक्ट है, बट अगर हाँ अगर आप ecom को यूज करके भी अगर अपने प्रोजेक्ट में भी आप एक फील को लेके आओ, एक मोटिव को लेके आओ कि प्रोजेक्ट बेसिकली नीड क्या है। अब जैसे ecom है तो सभी ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, बट नहीं, अगर आपकी एक प्रोजेक्ट की कोई थीम हो तो वो आपके रिज्यूमे के साथ बहुत वेल सूट करेगी और उसको आपको समझाने में भी और उनको अपने इंटरव्यूअर को एक्सप्लेन करने में बहुत मजा आएगा कि मैंने क्यों ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट बनाया। फॉर एग्जांपल अगर आपका कोई फैमिली बिजनेस है जो कि काफी टाइम से, या फिर कोई ऐसा कोई बिजनेस है जो कि सिर्फ आपकी ही फैमिली कर रही है काफी टाइम से, या फिर आप फेमस हो उस चीज के लिए अपने शहर में, अपने स्टेट के अंदर, और आप उसको ecom पे लेके आ रहे हो, तो वो एक प्रोजेक्ट तो है बट साथ में उसके साथ एक फील, एक इमोशन भी जुड़ गया कि हाँ भाई आप अपना कुछ हेरिटेज लेके आ रहे हो, या फिर आप कोई ऐसी यूनिक चीज क्रिएट करते हो जो और कोई नहीं करता इंडिया के अंदर, आप उसको ecom पे लेके आ रहे हो, तो वो आपको वहां चीज में बेनिफिशियल लेगा। और अदरवाइज वैसे भी वो आपको फाइनेंशियल भी हेल्प करेगा, अगर आप मान लो ecom कंपनी नहीं भी चूज करते हो तो आपको जनरली वैसे, क्योंकि क्राउड में जाने का कोई फायदा नहीं है, काम वो करो जो कोई और ना करना हो, या फिर कोई ऐसा प्रॉब्लम सॉल्विंग वर्क हो जिससे किसी की कोई प्रॉब्लम रियल लाइफ में प्रॉब्लम सॉल्व करे, तो वो चीज आपको वहां पे बेनिफिट देगी। तो आपको प्रोजेक्ट रेडी करना है, प्रोजेक्ट के लिए देखो आपके एडवांस के पास दो ऑप्शन आ सकते हैं, या तो आप वेब की तरफ जा सकते हो या फिर आप मशीन लर्निंग AI टाइप के कोर्सेज को ऑप्ट कर सकते हो। तो आपके पास दोनों ही ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल हो जाते हैं कि आप चाहे तो वेब टेक्नोलॉजी कर लो जैसे फ्लास्क है, जेंगो है, और उसके साथ आपको क्या है कि HTML वगैरह सीखना पड़ेगा, HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap, आपको सब कुछ सीखना पड़ेगा, AJAX वगैरह आपको यहाँ पे सीखना पड़ेगा, सर्वर साइड की कोडिंग आपको पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। मशीन लर्निंग भी एक बहुत ज्यादा अच्छा ऑप्शन है कि आज के टाइम पे, क्योंकि Amazon की अगर हम पर्टिकुलरली बात करें तो वहाँ पे देखो वेब भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आपका मशीन लर्निंग और AI, क्योंकि दोनों ही Amazon में यूज हो रही है। Amazon के लिए अगर आप जाओ तो सॉफ्टवेयर बिल्ड कर रहे हैं, वहाँ पर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है और वो अपनी वेब टेक्नोलॉजी के ऊपर भी काम कर रहे हैं, वो अपनी मशीन लर्निंग के ऊपर भी काम कर रहे हैं, अपनी AI के ऊपर भी काम कर रहे हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो कस्टमर रिव्यूज हैं और जो कस्टमर एक्सपीरियंस है वो इंक्रीज कर सके, उसको बेसिकली और अच्छा बना सके। अब इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं अपने DSA की। DSA क्या है जरा इसको देखते हैं, ये आपका दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। फर्स्ट है इसका डेटा स्ट्रक्चर, डेटा स्ट्रक्चर, एंड सेकेंड है आपका एल्गोरिदम। अब ये क्या है जरा इसको मैं आपको आईडिया दूं और ये कहां से पढ़ना है, क्या होता है।
देखो डेटा स्ट्रक्चर्स में आपके पास बड़े सारे पॉइंट्स होते हैं कि अगर आप जैसे C++ भी करी है, आपने अगर जो जावा भी करी है, पाइथन भी करी है, तो आपके पास वहाँ पे एरेज हैं, स्ट्रिंग्स हैं, ग्राफ्स हैं, लिंक्ड लिस्ट हैं, हैश मैप्स हैं, ये सारे क्या है आपके पास डेटा स्ट्रक्चर। आप किसी भी कंपनी का इंटरव्यू दोगे, चाहे वो छोटी है चाहे वो बड़ी है, वहां पे 101% डेटा स्ट्रक्चर क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इसके अलावा एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन होता है जो हमारे पास आ जाता है, वो है पैटर्न्स। चाहे वो कोई भी लैंग्वेज है, पैटर्न्स जो है हमारे पास, जो स्टार पैटर्न्स होते हैं, जो हैश पैटर्न्स होते हैं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके बेसिकली आपके इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये दो चार चीजें हैं। अब बात आती है कि इनको बेसिकली आपने प्रैक्टिस कहाँ से करना है, ये तो मैंने बता दिया कि टॉपिक क्या है आपके, ठीक है ना। यहाँ तक आपको पता था, शायद आपने पहले भी कभी किसी ने किसी सुना होगा डीएस से पढ़ लो, आपके सीनियर्स ने आपको रेफरेंस किया होगा डीएस से पढ़ लो, डीएस से प्रिपेयर कर लो, बट आपने नहीं किया क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि वहां से प्रिपेयर कहाँ से करना है, कौन सी वेबसाइट अच्छी है, फिर कौन सी बुक अच्छी है। अब डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम के अंदर जो सबसे बेस्ट मैं आपको एग्जाम्पल दे सकता हूँ, तो वो फिर आपके लिए रहेगा, हमारे पास एक वेबसाइट है, हम लिंक भी उसको डाल देंगे। आपके पास जो बेस्ट ऑप्शन रहेगा ऑनलाइन पढ़ने के लिए पूरा आपका गीक्स फॉर गीक्स है। तो ये देखो यहाँ पे आपके पास देखो स्टार्टिंग ही, जैसे हम गीक्स फॉर गीक्स की वेबसाइट पे आते हैं तो आपके यहाँ कॉर्नर में दो ऑप्शन मिलेंगे, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम। तो डेटा स्ट्रक्चर्स आप यहाँ से देखना शुरू करोगे, आपके आपको कितने टाइप के डेटा स्ट्रक्चर मिल जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल एरे है, बाइनरी, ग्राफ, लिंक्ड लिस्ट, बाइनरी सर्च ट्री, मैट्रिक्स, स्टैक, हीप, क्यूज है, हैशिंग है, तो ये यहाँ पे इतने सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे आपको। अब इन टॉपिक्स के ऊपर, अभी सिर्फ टॉपिक तो मिलेंगे, इनकी आपको थ्योरी प्लस इनके आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन कंप्लीट आपको यहीं से मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल ये सर्कुलर लिंक लिस्ट है, डबल लिंक लिस्ट है, अब सिंपल लिंक लिस्ट के भी आगे फिर फर्दर टाइप्स है कि सिंगल लिंक लिस्ट है, सर्कुलर है, डबली लिंक लिस्ट है, तो बहुत सारे आपको वहाँ पे इसके फर्दर उसमें टाइप मिल जाएंगे। अभी बाइनरी ट्री है तो बाइनरी ट्री के ऊपर क्या क्या चीज़ें आपको इसके ऊपर मिलना शुरू होगी, जैसे रेड ब्लैक ट्री वगैरह हमारे पास होता है, तो बहुत सारे टाइप के वहाँ पे ट्रीज हैं, रैंडम फॉरेस्ट वगैरह है, वो आपको वहाँ पे मिल जाएंगे बड़ी इजीली। अब क्या है यहाँ पे देखो कि चलो आपने डीएस प्रिपेयर कर लिया, अब डीएस के बाद आपको जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो आता है आपका एल्गोरिथम्स का, कि आपने एल्गोरिथम्स भी प्रिपेयर करनी है। देन आफ्टर दैट आपके आएंगे सर्चिंग एंड सॉर्टिंग वाली एल्गोरिथम, तो ये सारी आपको सर्चिंग एंड सॉर्टिंग है, लीनियर है, बाइनरी है, जंप है, एक्सपोनेंशियल है, टर्नरी है, सॉर्ट है, बबल सॉर्ट, शेल सॉर्ट, नॉर्मल, तो इस तरह की आपके पास बहुत सारी दुनिया भर की आपको एल्गोरिथम्स मिल जाएंगे। बट देखो आपको ये सारे करने की जरूरत नहीं रहेगी, अगर आप इनमें से मोस्टली सर्चिंग की 10, सॉर्टिंग की 10, इस तरीके से आप उसको एक पैकेज लेके चलते चले जाओ कि 5-10 आपने कर ली, तो वो आई थिंक सफिशिएंट है आपके लिए। अब देखो प्रिपरेशन आपकी ऑलमोस्ट हो चुकी है कि आपने कोर पढ़ लिया, आपने एडवांस पढ़ लिया, प्रोजेक्ट रेडी कर लिया, आपने डेटा स्ट्रक्चर पढ़ लिया, आपने एल्गोरिथम पढ़ लिया, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका स्टेप आएगा कि आपने अपना इंटरव्यू भी प्रिपेयर करना, वहां पे वो क्या क्या चीजें जज करते हैं। वहां पे देखो क्या होता है कि आपके पास सबसे पहले आपकी वर्बल एबिलिटी चेक करी जाती है, तो सबसे पहले वो देखेंगे आपका वर्बल कितना स्ट्रांग है, कितनी अच्छी आप इंग्लिश बोल लेते हो। और स्पेसिफिकली सब तो देखो नो डाउट आज के टाइम पे हम जितना मर्जी बोलें कि बायस नहीं होना चाहिए लैंग्वेज के लिए, सारी लैंग्वेजेस अच्छी हैं, बट नो डाउट आज के टाइम पे यूनिवर्सल देखा जाए तो इंग्लिश लैंग्वेज ही जो है वो मानी जाती है। आप किसी भी MNC में काम कर रहे हो, MNC का मतलब क्या है, मल्टीनेशनल कंपनी, मतलब क्या है कि बहुत सारे अलग अलग कंपनीज के साथ है, बहुत सारे अलग अलग टाइप के क्लाइंट्स के साथ, कंट्रीज के साथ डील कर रही है, तो इतने सारे कंट्रीज के क्लाइंट्स का डील करना है तो आप हिंदी में तो नहीं कर सकते, आप पंजाबी में, आप गुजराती में, आप हरियाणवी में तो नहीं कर सकते, तो आपको कॉमन लैंग्वेज चाहिए, आपको इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर बिल्कुल फ्लुएंट होना पड़ेगा, बिल्कुल आपको उसके अंदर प्रोफिशिएंसी रखनी पड़ेगी, आपको अपनी वर्बल एबिलिटी, आपको अपनी जो डिक्शनरी है वो बिल्कुल अपडेटेड रखनी पड़ेगी जो आपकी बेसिकली, ठीक है ना। तो उसका देखो तरीका क्या है कि डेली पढ़ो, आपका एक छोटा सा टाइम स्केड्यूल बनाओ। हमारे यहाँ देखो एक्सीलेंस ने क्या कर रखा है कि एक्सीलेंस में जो भी स्टूडेंट आता है हमारे पास एनरोल करता है किसी भी कोर्स के लिए, किसी भी टेक्निकल कोर्स के लिए, चाहे वो जावा है, चाहे पाइथन है, चाहे वो मन स्टैक मेन स्टैक है, हम क्या करते हैं, देखो हमें पता है कि बच्चा अब यहाँ से ट्रेनिंग लेके जाएगा तो अक्कल जाएगा तो कंपनी में, तो उसको नीडेड है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे कि बाय द डे वन उसको साथ साथ ही 1-1.5-2 घंटे की क्लासेस देना शुरू कर देते हैं वर्बल एबिलिटी की, उसको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की क्लासेस देते हैं, वहाँ पे वर्बल की प्लस पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की प्लस एप्टीट्यूड की प्लस रीजनिंग की कंप्लीट मॉड्यूल उसका रेडी करके दे देते हैं। जो हमारे टेक्निकल ट्रेनर्स हैं, हमारे यहाँ जो प्रोफेशनल ट्रेनर्स हैं, वो आपका पाइथन या फिर जो भी आप लैंग्वेज को ऑप्ट करते हो आपका उस वाले पार्ट पे ध्यान देंगे, और जो हमारे यहाँ पे जो इंग्लिश के ट्रेनर्स हैं, जो हमारे यहाँ से पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ट्रेनर्स हैं, वो आपका फिर जो सेकंड राउंड्स है फिर वो आपके वो वाले राउंड हैंडल करेंगे। तो हम क्या करते हैं कंप्लीट बच्चों को एक पैकेज बिल्डअप करके देते हैं कि जब वो इंटरव्यू देने जाएगा तो उसे किसी भी चीज़ में ये फील ना हो कि यार ये रह गया मेरा, ये मैं कर लेता तो मैं इस कंपनी को क्रैक कर सकता था, ये पोजीशन के अंदर मैं थोड़ा सा बाकी कैंडिडेट से पीछे रह गया।
तो वो हम कहीं भी बच्चों को फील नहीं होने देते, हम लोग बेसिकली लैक रहने ही नहीं देते एक्सीलेंस अकेडमीज के अंदर। तो इस तरीके से हम यहाँ पे वर्क करते हैं। तो आपका क्या है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और वर्बल एबिलिटी है। देन आफ्टर फिर देखो, अभी आपने क्या कर लिया कि इंटरव्यू आपने बेसिकली प्रिपेयर कर लिया, बट अब नेक्स्ट चीज आती है कि आपने इंटरव्यू के ऊपर अप्लाई कहाँ से करना है। अब आप जॉब रेडी हो, आपके पास एक प्रोजेक्ट है, आपके पास स्कोर है, तो नेक्स्ट चीज अब आपके पास आती है कि आपने अप्लाई कहाँ करना है, हाउ टू अप्लाई। तो आप अमेजोन के लिए भी, अगर आपको इन जनरल बताऊँ, अमेजोन के लिए या फिर आप कोई भी एमएनसी लो, तो जो बेसिक आपके पास, जो सबसे फर्स्ट आप चीज देखोगे कि आप उनके करियर पोर्टल के ऊपर जाओगे। आप अमेजोन है, फिर कोई भी कंपनी है, एप्पल है, चाहे कोई भी है, आप उनके करियर पोर्टल के ऊपर जाओगे। जैसे ही आप उनके करियर पोर्टल के ऊपर जाओगे तो आपको क्या मिल जाएगा कि उनकी लेटेस्ट जॉब मिल जाएगी। बट फ्रेशर के लिए इसमें एक दिक्कत है कि वहां पे क्या होता है कि 99% ऑफ द टाइम वो प्रोफेशनल्स को हायर कर रहे होते हैं, जो उनके ऑफिशियल करियर पोर्टल्स होते हैं। 99% ऑफ टाइम वहां पे एक्सपीरियंस मांगा जाता है, कम से कम 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल का। वहां पे वो क्या करते हैं, वो मैनेजर्स को हायर करते हैं, वहां पे वो टीम लीडर्स को हायर करते हैं, वहां पे वो सीनियर डेवलपर्स को हायर करते हैं। तो सीनियर डेवलपर बनने में आपको 3-4 साल बड़े आराम से लगेंगे, ठीक है ना। तो वहां पे वो प्रोफेशनल्स को हायर करते हैं। तो इसका ऑल्टरनेटिव क्या है, इसका ऑल्टरनेटिव आपके पास है लिंक्डइन। अब लिंक्डइन आपके पास एक ऐसी वेबसाइट है, और इसकी मोबाइल एप्लीकेशन भी अवेलेबल है लिंक्डइन। अगर मैं आपको दिखाऊं यहां पे, तो लिंक्डइन के ऊपर आप अपनी वेबसाइट बना सकते हो, ठीक है ना। ये लिंक्डइन बेसिकली आपके पास वेबसाइट है, यहाँ पे आप अपनी प्रोफाइल बना सकते हो। देखो लिंक्डइन क्या है, आपने हो सकता है कोई, कहीं इसका नाम सुना हो, कहीं इसके बारे में ना सुना हो। लिंक्डइन के ऊपर देखो क्या होता है कि ये आपका क्या है, एक काइंड ऑफ सोशल मीडिया है। तो आप लिंक्डइन के थ्रू अपने रिज्यूम सेंड कर सकते हो। देखो आपका मेन टास्क क्या है कि आपने अपने जो भी कंपनी के अंदर आप अप्लाई कर रहे हो, उसकी पोजीशन के ऊपर आप अप्लाई कर रहे हो, तो आपने करना क्या है कि आपने बेसिकली उस एचआर को रीच करना है। अब उस एचआर को रीच करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। देखो एक तरीका मैंने बताया कि आप इनके ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर जा सकते हैं। सेकंड मेथड क्या है कि आप लिंक्डइन, जो बेस्ट मेथड है, आप अपनी लिंक्डइन की प्रोफाइल रेडी करके, अब लिंक्डइन की प्रोफाइल आपने रेडी करनी है, लिंक्डइन की प्रोफाइल पे करना है कि यहां पे जैसे आप इसको ओपन करोगे, आप इसके ऊपर अपने कनेक्शन क्रिएट करने हैं। कनेक्शन मीन जैसे हम फेसबुक पे फ्रेंड्स बनाते हैं, ऐसे लिंक्डइन पे कनेक्शन बनते हैं। तो यहाँ से आप अपने रिज्यूमे बिल्ड करके आप एचआर को कॉन्टैक्ट डायरेक्टली कर सकते हो। हमारी अपकमिंग वीडियोस के अंदर आपको ये शो करेंगे कि लिंक्डइन बेसिकली कैसे इंस्टॉल करते हैं, या फिर लिंक्डइन मोबाइल ऐप कैसे यूज करते हैं, लिंक्डइन बेसिकली डेस्कटॉप एप्लीकेशन कैसे यूज करते हैं, वेबसाइट कैसे यूज करते हैं, कैसे अपने एक रिज्यूम बिल्ड करते हैं, कैसे हम लिंक्डइन के ऊपर प्रोफाइल बना के एचआर को रीच कर सकते हैं, कैसे प्रोफाइल को थोड़ा सा विजिबल बना सकते हैं ताकि एचआर भी हो सकता है कुछ टाइम के लिए आपको रीच कर पाए। तो सारी चीजें हम अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। तो अब क्या है कि लिंक्डइन के थ्रू आप इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। तो आप इसको थोड़ा थोड़ा फाइंड आउट करना शुरू करो, मतलब फेसबुक इंस्टाग्राम से टाइम अपना थोड़ा कट ऑफ करके लिंक्डइन के ऊपर स्पेंड करना अपना टाइम स्टार्ट करो। अब यहाँ से एक आपको बेनिफिट और भी मिल जाएगा। एक तो लिंक्डइन के ऊपर आपको जॉब पोर्टल मिल जाता है कि जो लेटेस्ट कंपनीज में जॉब वगैरह अवेलेबल, चाहे फ्रेशर्स की है, चाहे वो कोई भी है, नॉट ओनली अमेजोन, अगर आप कोई दूसरी कंपनी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो वहां के भी आपको जॉब जो है, लेटेस्ट जो जॉब वगैरह है, आप उसके ऊपर यहाँ पे उसको एक्टिव करके उसकी नोटिफिकेशन को एक्सेस ले सकते हो। आपको नोटिफिकेशन मिलेगी जब भी वो कंपनी कोई नई फ्रेशर की जॉब डालेगी, आपको डायरेक्टली लिंक्डइन क्या करेगा, नोटिफिकेशन सेंड कर देगा। तो यहाँ आपको उस चीज का बेनिफिट मिल जाएगा। अब क्या है कि लिंक्डइन आपका हो गया, कैप्चर प्रोवाइड कर लीजिए, आपका वहाँ पे इंटरव्यू राउंड हो गया। अब वहाँ पे इंटरव्यू देखो कैसे प्रिपेयर करने हैं आपने इंटरव्यू के लिए। अगेन मैं आपको लेके जाता हूँ एल्गोरिथम के ऊपर, अगेन मैं आपको गीक्स और गीक्स के लिए लेके जाता हूँ। अब इंटरव्यू प्रिपेयर करने के लिए कि आपका एचआर राउंड हो चुका है, कि आपने एचआर के अपने रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो गया, आपका रिज्यूमे बिल्ड कैसे करना है, ये भी अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो स्किल है रिज्यूमे बिल्ड करने की। अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो भी हमारे नेक्स्ट अपने वीडियोज के अंदर आएगी कि कैसे एक प्रोफेशनल रिज्यूमे बिल्ड करना है, या फिर रिज्यूमे आपका बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। आपने मान लो कि डीएसएल को बहुत मेहनत कर ली, आपने कोर पाइथन के अंदर बहुत मेहनत कर ली, बट रिज्यूमे आपका एक नॉर्मल सा है, तो आपको वो राउंड अपॉर्चुनिटी ही आपके हाथ से निकल जाएगी। तो रिज्यूमे बिल्ड करना एक बहुत ज्यादा प्रोफेशनल स्किल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। तो अपकमिंग वीडियोस में हम आपको रिज्यूमे, लिंक्डइन, इन सारी चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे, तो ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्या है, इसमें आपकी इंटरव्यू प्रिपरेशन मैंने आप दिखानी है आपको। देखो यहाँ पे सबसे जो फर्स्ट टॉप में ही आपको अवेल मिलेगी, यहाँ पे आपको अमेजोन मिलेगी, अमेजोन, सैमसंग, माइक्रोसॉफ्ट, यहाँ पे मोर देन आपको 91 कंपनीज यहाँ पे दिखा रखी है, और ये सारी बड़ी अच्छी एमएनसीज कंपनीज है, आप इन सबकी प्रिपरेशन कर सकते हो। अब अमेजोन के बारे में बात करते हैं। अमेजोन में देखो पॉपुलर आपको आर्टिकल्स यहाँ मिल जाएंगे, जो भी इसके पॉपुलर आर्टिकल्स होंगे, प्रिंटिंग ब्रैकेट्स हैं, काउंट टोटल बिट्स हैं, ये तो चलो टेक्निकल क्वेश्चन हैं। इसके अलावा भी अगर आप सॉफ्ट स्किल के क्वेश्चन देखते हैं, सब्जेक्टिव वगैरह है, सब्जेक्टिव है, कोडिंग प्रॉब्लम्स है, आपको यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएंगे, वीडियो ट्यूटोरियल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे,
इंटरव्यू एक्सपीरियंस ही आपको मिल जाएंगे यहाँ पे सेट 395। देखो अब यहाँ पे क्या है कि ऑन कैंपस आपको यहाँ पे क्या है ऑन कैंपस और ऑफ कैंपस दोनों के ही इंटरव्यू जो एक्सपीरियंस है वो मिल जाएंगे। अगर आप कोई भी यहाँ पे इंटरव्यू खोल के देखते हो जो अभी रिसेंटली इंटरव्यू हुआ है तो वो आपको बेसिकली कंप्लीट बताएंगे कि क्या क्वेश्चंस आए थे। अब देखो ये फॉर एग्जांपल है कि ये ऑन कैंपस फॉर इंटर्नशिप था आपका, ठीक है ना, कि आप यहाँ से आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी, क्या क्या क्वेश्चन आए थे, किस टाइप से इनका इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा रहा, कितने राउंड हुए। तो एटलीस्ट अब यहाँ पे क्या करोगे कि आप अपने आप को डाल के देखोगे, अगर आपकी प्रिपरेशन करने के बाद अगर आपके पास ये क्वेश्चन आ जाए तो आप इसे क्या इतने टाइम में सॉल्व कर सकते हो, इतना उसका टाइम आपके पास अवेलेबल था, क्या आपके पास वो टाइम अवेलेबल रहेगा, क्या आपकी स्किल इतनी बिल्डअप होगी। अगर आपका जवाब है नहीं तो फिर आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि एक बार जिस टॉपिक में आप लैक कर रहे हो उस टॉपिक की फिर अगेन आप एक बार राउंड दो, उसको दोबारा से आप रिवीजन करो। हाँ, अगर आपके क्वेश्चन हो रहे हैं फिर आप फर्दर मूव आउट करो, आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आप पढ़ो जरा कितने किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, रिसेंट क्वेश्चन पढ़ो, रिसेंट क्वेश्चन में देखो क्या बेनिफिट मिलेगा कि कंपनी का कोई ट्रेंड समझ में आएगा कि आजकल जो कंपनी के एचआर हैं वो क्या क्वेश्चन पुट आउट कर रहे हैं। देखो अगर हम बात करते हैं स्पेसिफिकली अमेजोन की तो 2-3-4 इंटरव्यू नहीं होते, वहाँ पे एटलीस्ट आपके 5 इंटरव्यूज होंगे। कहाँ से स्टार्ट होगा, सबसे पहला आपका जो राउंड होगा आपका होगा जो टेक्निकल राउंड है, जो कोडिंग राउंड है। अब कोडिंग राउंड के अंदर क्या होगा कि आपके पास फिर फर्दर आपको 2-3-4 क्वेश्चन देंगे एटलीस्ट, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे आपका राउंड वन था तो टोटल ऑफ 300 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड इन द नोटेशन ऑफ गेटिंग सिलेक्टेड टू इंटर्न ऑफ अमेज़न राउंड वन हैड 20 एमसीक्यूज एंड 2 क्वेश्चंस। आपको अब यहाँ पे दिखा दिया कि यहाँ पे 20 एमसीक्यूज थे और 2 क्वेश्चंस थे, तो आपको विद इन अ गिवन पर्टिकुलर टाइम पीरियड आपको ये 20 एमसीक्यूज और 2 क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं। अभी तो 20 एमसीक्यूज थे वो तो एमसीक्यूज बेसिकली कोडिंग रिलेटेड होंगे, तो 2 क्वेश्चंस थे ये आपके कंप्लीटली प्रोग्रामिंग बेस्ड होंगे। तो ये आपको बेसिकली ये आपको इस टाइप से आपको कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स मिल चुके हैं। तो ये कम्प्लीटली जो है वो बेसिक कोर पाइथन से होते हैं, बट हाँ इजी नहीं होते, ठीक है ना, तो आपको इनको प्रिपेयर करना जरूरी है, इम्पॉर्टेंट है। तो ये कम्प्लीट एक प्रोसेस है स्टार्ट फ्रॉम डे वन कि जहाँ पे कुछ भी नहीं आता और आपका डे लास्ट जहाँ पे आपके हाथ में आपका ज्वाइनिंग लेटर होगा। तो ये कम्प्लीट मैंने आपको आपका एक फ्लो बताया कि किस टाइप से आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो, किस टाइप से आप अपना कोडिंग प्रिपेयर कर सकते हो, किस टाइप से अपना इंटरव्यू प्रिपेयर कर सकते हो, किस टाइप से कौन से आपकी वेबसाइट्स हैं, कौन से लिंक्स हैं। गीक्स फॉर गीक्स आपके पास एक स्टैंडर्ड लिंक है, इसके अलावा अब इसमें एक चीज और भी होती है कि आपको कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की प्रिपरेशन भी करनी है, उसके लिए बहुत सारी वेबसाइट जैसे हैकर रैंक है, कोड शेफ है, लीड कोड वगैरह भी है, आप वहां से भी सीखने की तैयारी कर सकते हो। आने वाली हमारी यूट्यूब सीरीज के अंदर हम आपको कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के बारे में बताएंगे, प्लस डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम भी हम यहाँ पे स्टार्ट करवाएंगे।